निकलते हैं कमरे से, देखते हैं आसिम मलंग और राना रा हील जो है वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मैं तो रोटियां ले आया हुआ हूँ, अब राना रा हील देखते हैं। ओह बर्तन धोए जा रहे हैं यहाँ तो। राना इन एक्शन। हाँ तो राना इन एक्शन, बर्तन धो रहे और आसिम मलंग क्या कर रहे हैं। ओहो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त आसिम मलंग, मैं शेफ भी हूँ, लेकिन मौका मुझे जब मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे आता हूँ। वैसे कमीशन बहुत मजे का होता है, रांची में भी कल बारिश हुई हुई गर्मी में, यहाँ पे रात को बारिश भी हुई है 2 बजे के 2:30 बजे, मस्त हो रहा है, यानी कि सर्दी सर्दी टाइप की लगेगी। इसलिए मैं इनके लिए बना रहा हूँ चीज़ें हमें, और हर वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर होती है मैं इनको डिफरेंट किस्म के जो है खाने बना के देता हूँ, और इनको मज़ा आता है और ये लोग खाते हैं, बस यही चलता रहता है। वैसे तो मौसम अच्छा था, मैं आपको बताता हूँ फिर दोबारा बारिश होगी। बारिश में क्या बना रहे हैं? मैं ये चीज़ें आमलेट है, यहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ें सस्ती हैं, यहाँ पे आपको मक्खन पनीर और ये सारी चीज़ें जो है बहुत सस्ती हैं, ताकि आप रेगुलर भी यूज़ हो सकें। हमारे वहाँ पे तो एक मिडिल क्लास बहुत मुश्किल से यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत सस्ती हैं। हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को जो है बना के मैं इनको खिलाऊँ, और बाकी आप देखें नाश्ता है। मैं हूँ इस टाइम ईरान में और मशक में, और बाहर निकला हूँ तो देखा है मौसम बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है, बारिश रात भर हुई है, और इस टाइम असद अली और राना जी जो हैं वो होटल से बाहर जा रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या करने जा रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं ज़रा बताएंगे जी। असद अली क्या फील करना है, बाहर मौसम इंजॉय करने जा रहे हैं और कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको घुमाते हैं यहाँ की शॉपिंग सेंटर वगैरह में जी। राना जी तो हम लोग आउटिंग के लिए जा रहे हैं, जो कि विंडो शॉपिंग भी कहलाती है, मैं भी शायद कुछ पसंद आ जाए तो हम शॉपिंग कर लें। ये मशक की गलियां हैं जो पुराने स्टाइल से भी बनी हुई है और नए से, यहाँ पे सारे होटलिंग का सारा सिलसिला है, और ये छोटी छोटी गलियां हैं, छोटी गलियों से निकलते निकलते बाहर सारा सिलसिला होता है, और ये होटल है, और हम रहेंगे आपके साथ, चलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, यादों में रहेंगे, और ये जब वीडियो देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ये असद अली जा रहे हैं और फिर मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। इस वक्त आसिम मलंग, राना राहिल और मैं मशहद की गलियों में जो है वो बूंदाबांदी को एंजॉय कर रहे हैं। हल्की बारिश हो रही है और शहर के नज़ारे हम देख रहे हैं, और तासुरात लेते हैं आसिम मलंग से भी और राना राहिल से भी कि वो इस बारिश में बाहर क्या कर रहे हैं। घर में बैठने का सीन है, ये बाहर ठंड लगा रहे हैं अपने आप को, तो बात करते हैं। मौसम इस टाइम बहुत मज़े का हुआ है मशक का, और क्या कहते हैं बारिश हो रही है बूंदाबांदी जैसे हमेशा मुझे मिलती है, ठंड भी है मज़े की, और मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, क्यों घूम रहा हूँ ये नहीं पता, लेकिन गलियों में घूम रहा हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत नेचुरल है और बहुत मज़ा आ रहा है, समझा नहीं सकता। वो इसलिए नहीं समझा सकते कि हम लोग मज़े लेते लेते बहुत अब बहुत आगे आ गए हैं, और हमारे को अब रास्ता आगे का पता नहीं है किस साइड से हम लोगों ने टर्न लेना है, तो हम लोग चलते जा रहे हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ रहिए। गोल गोल घूम रहा हूँ और कब मंजिल आएगी कुछ नहीं, यही है जर्नी। अज़द अली तो हम आपको यहाँ के लोकल घर भी दिखा रहे हैं, ये देखें दीवार टूटी हुई है मगर पार देखें और सफाई देखें,
और गुलाब कैसे खिला हुआ है, क्योंकि ये बाहर का मौसम है और बाहर के मौसम में आपको पता है हर जगह यहूदी है। तो ये चीज़ें हैं, साथ साथ चल रही हैं और देखते हैं और आगे हम क्या करते हैं। कोई अच्छा मूवमेंट हुआ तो रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए। तो फाइनली हम जो है वो अपनी मंजिल की करीब करीब है। हमने बहुत बड़ा राउंड लिया और हमने खूब जो है वो फुहार के मज़े लिए। बारिश इतनी है यहाँ पर कि रोड भी गीले हो गए हैं और छतों से पानी भी गिर रहा है जो बरसाती नाले। बट बड़ा मज़ा आया हमें रोड पर। और स्टिल आसिम अलंग राना राहिल मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं जबरदस्ती। हाँ भाई, क्या समझाऊँ, कुछ भी नहीं, इंजॉय कर। दिखा सकता हूँ कि बहुत अच्छा मौसम हुआ है और वॉक करने में बहुत मज़ा आ रहा है और हर चीज़ बहुत अच्छे हिसाब किताब से यहाँ पे नज़र आ रही है। मार्केटें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं और लोगों का आना जाना लगा हुआ है। काफ़ी स्मूथ एक मौसम भी हुआ है, माहौल भी हुआ है और मज़ा आ रहा है। वक्त को जो है अवेल करना और वक्त को इंजॉय करना लाइफ का हिस्सा है। गया वापस नहीं आएगा, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। तो टाइम अवेल कर, बाकी अजय साहब भी हैं, टाइम अवेल कर रहे हैं। हम लोग सारे टाइम अवेल कर रहे हैं, जो है वो है, जो नहीं वो नहीं है। सो गाइस, दिस इज आवर जर्नी टूवर्ड मशहद। मशहद में हम इस वक्त और यहाँ के बारिश के बाद का सीन आपको बता रहे हैं। और सड़कें ऐसी हैं, लोग चल रहे हैं, कोई हेजिटेशन नहीं है किसी को भी ना हमें। और हम भी इंजॉय कर रहे हैं, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये यहाँ की अब जैसे जैसे रात होती जा रही है, दुकानों की लाइटिंग ऑन हो गई है और वो इस तरह आप देखेंगे। और ये रोड क्रॉस करने के लिए उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है और वो, और इसमें भी जो है वो एलिवेटर टाइप की जो है वो स्टेयर्स लगाई हुई हैं ताकि लोग आसानी से जा सकें। और इसमें भी आपको लेके जाएंगे। इस वक्त हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें फाइनली रास्ता मिल गया था। और ये सामने इमाम अली रज़ा का रोज़ा मुबारक शुरू हो रहा है और बहुत बड़े एरिया पर है रोज़ा, तो अंदर है उनका। तो ये बाहर का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, याली मदद। मैं आपका दोस्त आसिम अलंग ईरान की मशक की गलियों में गोल गोल घूमता हुआ, क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर जो है गलियों का और उन सारी चीज़ों का आज भी वैसे का वैसे ही है। गलियाँ वही हैं, एक गली से 100 गलियाँ निकल रही होती हैं और मैं यहाँ पे बेबान घूमता रहता फिरता रहता हूँ। मशक की गलियों में बहुत मज़ा आता है। जब मैं किसी तारीखी शहर में जाता हूँ तो मैं उस ज़माने के स्ट्रक्चर और आज के स्ट्रक्चर को जो है वो बहुत ज़्यादा नोट करता हूँ। यहाँ पर होटल बन गए हैं, यहाँ पे होटल बन गए हैं, लेकिन गलियों का वही पुराना हिसाब किताब है। पुराने ज़माने में यानी कि आप कूफा भी जाएंगे या आप जो है वो करबला भी जाएंगे, आप जिस जगह पे जाओगे तारीखी के हिसाब से वहाँ पे गलियाँ जो हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं और यहाँ के होटल चेंज हो जाते हैं। मैं यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको सकावत के हिसाब से भी समझाऊँगा, डेवलप के हिसाब से सिखाऊँगा, हर चीज़ में दिखाऊँगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। फेसबुक पे रहें मेरे साथ, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ रहें और जर्नी ऑफ फेट यूट्यूब के चैनल पे भी रहें। आप मेरे साथ चलते रहें, मैं आपके साथ, क्योंकि जर्नी है, दोनों मिलके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।
कैसे हैं आप लोग? इस वक्त मैं मशहद में हूँ और मेन चौराहा जो है इमाम रजा के हरम की तरफ आता है। मेरे बिल्कुल राइट साइड पर जो है वो इमाम रजा का हरम है और बैक साइड पर चौरंगी है। ईरानियों की खास बात यह है कि ये छोटी से छोटी जगह भी जो है वो खूबसूरत अंदाज में उसकी फिनिशिंग करते हैं। हमारे यहाँ तो बड़ी चीज़ों बना दी जाती है, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों से ही खूबसूरती आती है। इस वक्त मशहद में जो है वो ठंड है और ठंड के मज़े हम ले रहे हैं और उसके साथ साथ इमाम का दर सामने वहाँ पे भी हाजिरी देनी है। यहाँ के बारे में कुछ बताता चलूँ, यहाँ होटलिंग सस्ती भी है महंगी भी है, जैसा आप अपना बजट बनाते हैं उस बजट के हिसाब से यहाँ होटलिंग आपको मिल जाती है, कोई बिग इशू नहीं है। और हरम के चारों तरफ लातादाद होटल हैं और दिन ब दिन और बनते जा रहे हैं। और यहाँ एक मुकम्मल पैकेज है मज़ार के इर्द गिर्द का हरम के, जिसमें आपको दुकानें भी मिलेंगी और दुकानों में मुख्तलिफ वैरायटियाँ मिलेंगी, जिसमें कपड़ों से लेके ज़ाफरान और ज़ाफरान से लेकर जो है वो आपको खाने पीने और नॉर्मल ग्रॉसरी की भी दुकानें मिलेंगी। ये एक हब है। मैं अब इस वक्त मेरे बिल्कुल राइट साइड पे बाजार रजा है और इर्द गिर्द जितने भी हैं ये सब बड़े बड़े होटल हैं और मेट्रो बसेस भी यहाँ पे चलती हैं और पाकिस्तान में उसको जंगला बस या ग्रीन बस भी कहते हैं, वो भी यहाँ चल रही है। ट्रैफिक अपने हिसाब से चल रही है, पुलिस वाले बहुत कम नज़र आते हैं। ये वाई चौक है या चुरंगी है जहाँ पे जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले कभी कभी आपको नज़र आ जाते हैं, अदरवाइज लोग ऑटोमेटिकली एक सिस्टम के तहत चल रहे होते हैं और उसी सिस्टम में ही अपने आप को रखते हैं। यहाँ पे टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो इमाम रजा अलैहिस्सलाम के दर पर हाजिरी देने वाले लोगों की तादाद करोड़ों में है, जो हर साल यहाँ पर आते हैं और इमाम से अपनी ज़रूरियात और जो भी ख्वाहिशें होती हैं वो रख कर जाते हैं और इमाम भी पूरी करते हैं। यहाँ पर छोटी सी छोटी चीज़ जो मैंने आपको बताया बनाई हुई है। अब एक सिंपल सा रोड क्रॉस करने के लिए उन्होंने जो है वो एलिवेटर भी लगाया हुआ है और उसके साथ साथ सीढ़ियाँ भी हैं। हालांकि बिल्कुल सामने ये एक रोड है छोटा सा जो क्रॉस हो सकता है, मगर इसको भी खूबसूरती से उन्होंने जो है वो बनाया है, क्योंकि अपने शहर को उन्होंने उजागर करना है, अच्छा बनाना है, क्योंकि आप इमाम के शहर में आए जिसका नाम है मशहद, तो मशहद को उन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत बनाया कि छोटी छोटी चीज़ों पे भी उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। आए आगे बढ़े और देखें। अस्सलाम वालेकुम याली मलंग, मैं आपका दोस्त आसिम मलंग। कहते हैं कि मलंग का और दरवेश का जेवर जो होता है वो होता है अंगूठियाँ यानी कि स्टोन। मैं घंटों मशहद के जो है मार्केट में यहाँ पे घूमता रहता हूँ। सकावत के हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे पाकिस्तान में भी मिलती हैं और अंगूठियाँ और पत्थर नायाब होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि आप आओगे और आपका दिल चाहेगा कि मैं सब कुछ दे दूँ। मार्केट में ढेर सारा घूमने से बेहतर ये होता है कि आपकी नॉलेज में इजाफा होता है कि कौन सी चीज़ आपको वहाँ पर मिल रही है, कौन सी चीज़ आपको जो है वो नहीं मिल रही। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ यहाँ पे घंटों घूमता रहूँ और ये चीज़ें पता करता रहूँ यहाँ पे क्या है। आप जब भी आएँ इस मार्केट में तो यहाँ पे ज़रूर जो है सर्वे करें, बहुत सारी नायाब चीज़ होगी क्योंकि यहाँ पे इनकी चीज़ें अपनी बनी हुई होती हैं, क्वालिटी वाइज भी और हर चीज़ के वाइज से। आएँ मशहद में मार्केट में जो है आप जो है वो सर्वे करें, बहुत सारी चीज़ें आपके मतलब की मिलेंगी। आइए मैं आपको लेके जाता हूँ एक पत्थरों की और एक अंगूठियों की और नायाब पत्थरों की जो है वो यानी कि नगरी में, और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे नायाब नगरी है। मैं पत्थरों की दुकानों में काफ़ी टाइम गुजारता हूँ क्योंकि आपको पता है कि मेरे हाथ में भी सब पत्थर होते हैं। पत्थरों की एक लैंग्वेज होती है और हर चीज़ की एक लैंग्वेज होती है। आइए मैं आपको एक दुकान पर लेके जाता हूँ जहाँ पर नहायत ही खूबसूरत पत्थर और नहायत ही खूबसूरत अंगूठियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तस्बीहें हैं, पत्थरों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं मजू ऐसा मुझे नहीं ऐसा
अगर ये वाली नहीं है, ये वाली ईरान की नहीं है। ताज़ी ताज़ी कुकीज़ ली हैं और टेस्ट करेंगे इसको कि कैसी है। ये है गरम गरम और देखते हैं पीती है कि नहीं। मज़े की यार, ट्राई करनी चाहिए। अभी खा के बताता हूँ कैसी है। क्याली मदद कहते हैं कि मलंग कहीं ना कहीं मिल जाए। ये शिबा या नबी ना दीजे ये हर बोल हवास आया। और ईरान में मुझे बहुत खुश हुई कि मुझे से भी बहुत सारी जगहों यो अमीर अल मुमिनीन हैदर में फरियाद और बरस और मैं इसके कस्कोर में शुरू डालने को कि मलंग मलंग का ख्याल रखता है। क्याली मदद यो पर